17.4 जीवन काल और विभिन्न प्राकृतवास चेंजिंग हैबिटेट इन अ लाइफ स्पैन। अब एक ऐसे जीव के बारे में चर्चा करते हैं जो अपने जीवन काल का अलग अलग समय विभिन्न स्थानों पर बिताता है। ब्रह्मानी डक एक पक्षी है। इसे सुरखाब, चकवा चकवी आदि नामों से भी जाना जाता है। यह बतख भारत में ही नहीं अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कई देशों में पाई जाती है। भारत में गर्मी के लगभग 4 से 5 महीनों में ये लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमालय की ऊंचाइयों में दिखाई पड़ती है। ये इनके प्रजनन स्थान भी हैं। सर्दियों के दिनों में ये हमारे देश के दक्षिण की तरफ दिखाई पड़ती हैं। इसी समय ये छत्तीसगढ़ में भी दिखाई पड़ती हैं, परंतु ये यहाँ प्रजनन नहीं करती हैं। सर्दियों में ब्रह्मानी डक सिर्फ हमारे देश के अन्य स्थानों से ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्व के अन्य देशों से भी आती हैं। जब किसी जीव के जीवन काल में प्राकृतवास बदलता है तो एक प्राकृतवास से दूसरे प्राकृतवास में जाना प्रवास कहलाता है। इस प्रक्रिया में जीव कुछ समय बाद पुनः अपने स्थायी प्राकृतवास में लौट जाता है। समुद्र तट से 5000 मीटर तक की ऊंचाइयों पर घास के विशाल मैदान, मीठे व खारे पानी के तालाब, दलदल और नदियों के तट ब्रह्मानी डक के प्रजनन स्थल हैं। प्रजनन के दौरान पोषण की जरूरतें अधिक होती हैं। अंडे देने के लिए सुरक्षित जगहों की जरूरत पड़ती है और यह सब इन्हें हिमालय के इलाकों में मिल जाते हैं। यहीं के घास, अनाज, अन्य बीज, झींगा, मेंढक, कीड़े आदि इनका भोजन है। इन स्थानों पर सर्दी के आते आते जब खाद्य का यह स्रोत कम हो जाता है तब ये खाने की तलाश में यहाँ की अपेक्षा कम ठंडे स्थानों की ओर निकल पड़ती हैं। वयस्क बतखों के साथ संतान बतख भी होते हैं। ये बतख इन कम ठंडे स्थानों पर नदियों, झील, तालाबों, दलदल, खेतों, बांधों आदि के तट पर दिखाई देती हैं। समुद्र के तट से ये दूर रहती हैं। ब्रह्मानी डक का प्राकृतवास क्या है? क्या ब्रह्मानी डक को प्रवासी जीव मान सकते हैं? क्यों?